लेते एक और बड़ी खबर का। पायलट ने दौसा में बड़ा बयान दे दिया, कहा कि आला कमान तय करेगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। एआईसीसी ने ये स्पष्ट कर दिया है, 2018 में जहां कांग्रेस जीती वहां भी यही फॉर्मूला लागू रहा, 2023 में भी इसी फॉर्मूले से मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला तो आला कमान करेगा, 2018 में जहां कांग्रेस जीती वहां भी यही फॉर्मूला तय किया गया और 2023 में भी इसी फॉर्मूले से मुख्यमंत्री का चयन होगा। हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मतभेद के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी फैसले हम मिलकर कर रहे हैं, तो सचिन पायलट ने कहा कि हमारे प्यार से बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो, जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोच सकते कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं, तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है और इस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। तो वही रमेश भिदोड़ी ने सचिन पायलट पर चुटकी ली, कहा राजस्थान की